सिर धोने से पहले आप इसे लगा लें। आप देखेंगे कि आपके बालों का झड़ना रुक जाएगा केवल एक हफ्ते के इस्तेमाल से। इस नुस्खे को किस तरीके से बनाना है और कैसे लगाना है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गोल्डी और आप सभी का गोल्डीज किचन में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं अपने किचन में शेयर करने वाली हूं बहुत ही बढ़िया सी होम रेमेडी जो आपके बालों का झड़ना रोक देगी। आपके बाल काफ़ी ज़्यादा सुंदर, काले, घने और मजबूत बनेंगे। दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको कोई खास सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम जो सामग्री यूज़ करेंगे वो बहुत ही आसानी से आपके किचन में ही मौजूद होगी, यानी कि आपके किचन में ही मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं अपने किचन में और जल्दी से इस हेयर मास्क को बना लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। और आपने इसे एक हफ्ता यूज़ कर लिया तो आपको बहुत ही आसानी से फ़र्क नज़र आने लगेगा। तो आइए चलते हैं अपने किचन में और जल्दी से इसे बना लेते हैं। एंटी हेयर फॉल स्प्रे या मास्क बनाने के लिए आज मैंने लिया है सिर्फ एक बड़ा चम्मच के करीब अनियन सीड्स, जिसे कलौंजी कहते हैं। कलौंजी का आपने देखा होगा कि तेल मार्केट में बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बट उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। और आप सिर्फ एक चम्मच इस कलौंजी को यूज़ करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके जो पतले बाल हैं वो अच्छे, काले, मोटे और घने हो जाएंगे, इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मैंने इसे पर्सनली यूज़ किया है और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो हमने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच के करीब कलौंजी लिया है, जिसे अनियन सीड्स कहते हैं, और ये आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। और इतने ही नहीं गाइस, ये मोस्टली लोगों के घर में होता है और मैं भी हमेशा इसे रखती हूँ क्योंकि मुझे हेयर मास्क बनाना होता है और कभी कभी मैं इसे स्पाइसिस के रूप में यूज़ करती हूँ, तो बहुत ही अच्छा है ये। और दूसरी सामग्री है मेथी दाना। मेथी दाना के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, इसे फेनुग्रीक सीड्स कहते हैं। ये भी बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा और इंडियन किचन में तो ये आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। मेथी दाना के बारे में तो आप जानते हैं कि इसके यूज़ करने से आपके बाल काफ़ी ज़्यादा चमकदार, सुंदर और घने हो जाते हैं। अगर आप मेथी को डेली यूज़ करते हैं, अपने बालों पर इसे लगाते हैं, तो बाल सुंदर चमकदार तो होते ही हैं, बालों की जितनी भी समस्याएँ होती हैं वो कम हो जाती हैं। तो आइए आज मैं इन दो इंग्रेडिएंट का यूज़ करके आपको बहुत ही अच्छा सा हेयर मास्क बताऊंगी, या हेयर स्प्रे भी आप बोल सकते हैं, और आप इसे डेली लगा सकते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ एक छोटा सा मिक्सर जार और इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ कलौंजी सीड्स। कलौंजी सीड्स हम इसमें एक बड़ा चम्मच ऐड करेंगे और अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ मेथी दाना। तो हम इसमें दो बड़े चम्मच मेथी दाना ऐड करेंगे। क्वांटिटी आप हमेशा याद रखिएगा, कलौंजी एक बड़ा चम्मच और मेथी दाना दो बड़े चम्मच। मेथी दाना डालने के बाद मैं मिक्सर जार का ढक्कन बंद करूंगी और इसे एकदम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लूंगी। और ये लीजिए, मेथी दाना कलौंजी को हमने यहाँ पे एकदम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसे मैंने हल्का सा पाउडर फॉर्म में बदल लिया है। अभी भी ये काफ़ी दरदरा है, कुछ इस प्रकार से हमें इसे रखना है। तो आइए नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है एक पैन, आप चाहें तो कोई छोटा सा सॉस पैन या छोटा सा भगौना ले सकते हैं, और हम इसमें ऐड करेंगे एक ग्लास पानी, यानी एक कप पानी हम इसमें ऐड करना है। पानी डालने के बाद अब मैं इसमें इस तैयार किए हुए पाउडर को हम डाल देंगे। मेथी और कलौंजी के पाउडर को डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसे डायरेक्टली गैस पे रखूँगी। फ्लेम को हमने यहाँ पे ऑन कर दिया है और इसे मैं लगभग 5 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पकाऊंगी। इस एंटी हेयर फॉल मास्क को बनाते समय एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि हमें इसे हल्का सा थिक करना है और जब इसका कलर बदल जाए तब हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और ये लीजिए, एंटी हेयर फॉल मास्क को पकते हुए लगभग 5 से 8 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो गया है और हल्का सा ये थिक हो गया है। तो इस स्टेज में फ्लेम को ऑफ करूंगी और इसे हल्का सा ठंडा कर लूंगी। हेयर मास्क को छानने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बर्तन और इसके ऊपर मैं डाल दूंगी एक नॉर्मल सा कपड़ा। आप यहाँ पे किसी भी प्रकार का कॉटन का कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसमें तैयार किया हुआ मिक्सर डालूंगी। मिक्सर डालने के बाद अब मैं इस कपड़े को पोटली की तरह बना लूँगी ताकि हमें छानने में आसानी हो जाए। ये थोड़ा सा गर्म है तो मैं यहाँ पे चिमटे का इस्तेमाल करूँगी और इसे अच्छी तरीके से छान लूँगी।
और ये लीजिए, मिक्सचर हमारा अच्छी तरीके से ठंडा भी हो गया है और छन भी गया है। तो चलिए जल्दी से मैं इसे एक बॉटल में फिल करती हूँ। एंटी हेयर फॉल मास्क को ट्रांसफ़र करने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्प्रे वाली बॉटल ले ली है। ये बॉटल आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। ऑनलाइन परचेस करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मैं इस बॉटल में तैयार किए हुए लिक्विड मास्क को ऐड करूँगी। बहुत ही ध्यान से हमें इसमें ऐड करना है। अगर आपके पास डालने वाला जो स्कूपर है, अगर वो है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो बॉटल है हमारी वो आधे से ज़्यादा फिल हो गई है। तो अब मैं स्प्रे वाला कैप लगा के इसे बंद कर देती हूँ। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि हमारा एंटी हेयर फॉल मास्क रेडी हो चुका है, जिसे हमने सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स से बनाया है और बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट्स, जो कि आपके घर पे हमेशा अवेलेबल होते हैं और आप बिना पैसे खर्च किए इतने सिंपल तरीके से एंटी हेयर फॉल मास्क बना सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया कि किस तरीके से इसे बनाना है, और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे लगाना है और कितनी बार लगाना है। तो हम इसे अपने हेयर पे कुछ इस प्रकार से लगाएंगे, और ये देखिए मैं स्प्रे कर रही हूँ और जो हमारा मास्क है बहुत ही आसानी से इस स्प्रे में से बाहर निकल रहा है। और इसे हम लगा करके इस तरीके से पहले मिला लेंगे अपने बालों पर, और उसके बाद मैं इसे अच्छी तरीके से स्कैल्प पे मसाज करूँगी। लगभग 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे मसाज दे देना है, ताकि आपके स्कैल्प पे, आपके बालों पे ये अच्छी तरीके से लग जाए। और इस एंटी हेयर फॉल मास्क को लगाने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे और बिना किसी शैम्पू, बिना किसी कंडीशनर के हम बालों को धोएंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके बाल बहुत ज़्यादा चमकदार और मुलायम हो जाएंगे बिना किसी शैम्पू और कंडीशनर के। यकीन मानिए, एक हफ्ता आप इसे यूज़ करके देखिए, उसके बाद आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा। सो दोस्तों, आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताइए कि आपको ये होम रेमेडी कैसी लगी। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा लाइक ज़रूर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में छोटा सा बेल आइकन होगा उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले मेरे नए अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग गोल्डीज़ किचन। बाय बाय फ्रेंड्स, मैं जल्द मिलूंगी बहुत सारी रेसिपी के साथ, बहुत सारे होम रेमेडी के साथ, जो हमारे किचन में ही मिलती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।